हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीलिंग एक्ट में संशोधन कर गहलोत ने रॉबर्ट वाड्रा को लाभ पहुंचाया, अर्जुन मेघवाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दामाद जी की सीढ़ी के बहाने निशाना साधा है। जयपुर में भाजपा के मीडिया सेंटर में दामाद जी यानी रॉबर्ट वाड्रा की सीडी को लेकर पूछे गए सवाल पर मेघवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीलिंग एक्ट में संशोधन करके रॉबर्ट वाड्रा को बीकानेर और जोधपुर के बाप ने जमीनें खरीदवाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायत पर ईडी ने केस दर्ज किया है। वहीं महेश नागर की स्काईलाइट कंपनी में रॉबर्ट वाड्रा डायरेक्टर थे। महेश नागर ने कार्यवाही से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। मेघवाल ने बताया कि सोलर प्लांट की कंपनियों को जमीन बेचने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने औने पौने दामों में किसानों से गहलोत सरकार की मदद से सैकड़ों बीघा जमीनें खरीदी थी। मेघवाल ने कहा शिकायत के बाद ईडी ने कुछ कार्यवाही भी की है और कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठ के सहारे राफेल के मुद्दे पर उछालने में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 के दौरान तय हुए राफेल के कीमत को नहीं बता रही है। मेघवाल ने कहा कि झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ये पीड़ा है कि एक गरीब परिवार का आदमी देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया है। मेघवाल ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरी है और विकास के मुद्दे पर भाजपा का हर नेता कांग्रेस के नेता के साथ बहस करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि झूठ का सहारा लेकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में फर्जी वोटर लिस्ट होने की शिकायत करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन ये याचिका भी खारिज हो चुकी है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।